दिवाली के पावन अवसर पर शबनम शेख और तनशे शेख द्वारा फैशन जर्नी एग्जीबिशन का आयोजन किया गया था, जिसका उद्घाटन विधायक विकास ठाकरे के हाथों संपन्न हुआ। किसी भी त्योहार को महिलाएं तन्मयता से निभाती हैं, वह फिर किसी भी धर्म, जाति या समुदाय से ताल्लुक रखती हो। महिलाओं में कुछ विशेष गुण व्याप्त होते हैं जो उन्हें भीड़ से अलग बनाती है। कई महिलाएं अवसरों का सोना बनाते हुए खुद का विकास करती हैं, लेकिन कई महिलाओं को आर्थिक अथवा सामाजिक बंधन और प्रतिकूलता के कारण महिलाएं विकास नहीं कर पाती। इसी बात को ध्यान में रखते हुए शबनम शेख और तन्वीर शेख इन बहनों द्वारा फैशन जर्नी एग्जीबिशन का आयोजन किया गया था, जहां इस कार्यक्रम का उद्घाटन आज विधायक विकास ठाकरे के हाथों संपन्न हुआ। गौरतलब है कि यह प्रदर्शनी दिनांक 4 नवंबर और 5 नवंबर इन दो दिनों में आयोजित की गई है, जहां आयोजिका शबनम शेख और तनशीर शेख ने इस आयोजन के विषय में प्रसन्नता व्यक्त की है। गौरतलब है कि प्रदर्शनी के अंत में आयोजकों द्वारा बेस्ट सेलर को ट्रॉफी दी जाने वाली है, जो 3 पुरस्कार है। इतना ही नहीं तो सबके मनोबल वृद्धि के लिए वेलकम ट्रॉफी भी सभी प्रतिभागियों को दी जाने वाली है। दर्शकों, दियों से जगमगता हुआ त्यौहार, त्योहारों का राजा दिवाली आ रहा है, और इस दिवाली में फैशन की बात ना हो तो बात ही क्या। दर्शकों, इसी विशेष महत्व के मद्देनज़र शेख सिस्टर्स द्वारा फैशन एग्जीबिशन का आयोजन किया गया है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है तनशीर शेख, जिन्होंने किया ऑर्गेनाइज किया है इतना बड़ा प्रोग्राम। जानते हैं उनसे उनकी भावनाएँ। मैडम, इतना बड़ा आपने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है, एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज किया है, क्या थी इसके पीछे की भावना? सर, हम चाहते थे जो भी है यहाँ पे लेडीज़ जेंट्स जितने भी हैं, जिनका बिजनेस थोड़ा घर से चल रहा है, छोटे छोटे बिजनेस चल रहे हैं, उनका बिजनेस अच्छे से चले और उनको एक नाम मिले, इनको फेम मिले। और दिवाली का उपलक्ष ये समय चल रहा है, तो हमने सोचा कि उनको यहाँ पे बुला के एकत्रित करके थोड़ा सा उनका बिजनेस में नाम बनाएं। कितने स्टॉल्स लगे हैं इस एग्जीबिशन में आज? सर, 40 प्लस स्टॉल लगे हुए हैं। और क्या क्राइटेरिया था इनको, मतलब ज्वाइन करने का? सर, ज्वाइन करने का ये था कि कुछ कुछ लेडीज़, जितनी भी लेडीज़ थी, घर से काम कर रही हैं, हाँ, तो हम चाहते थे कि एक साथ होके बिजनेस करें, कुछ नाम करें, बस यही था। और उसके अलावा कुछ हमारा वो नहीं था कि कुछ अलग से, लेकिन हम चाहते थे कि सभी लेडीज़ मिलके इकट्ठा होके काम करें। दर्शकों, बोला जाता है एक और एक दो नहीं तो एक और एक 11 होते हैं, वैसे ही इनके साथ इनके सिस्टर भी मौजूद है, शबनम शेख, जिन्होंने की बड़ा सहयोग दिया है इस एग्जीबिशन को निर्माण करने में, एग्जीबिशन को उद्घाटित करने में। मैडम, क्या भावना है आपकी, महिलाओं ने इतना सुंदर एग्जीबिशन, इतना सहकारी दिया है आपको? जी, हमारा तो फर्स्ट मोटिव ये था कि हम जो भी घरेलू लेडीज़ हैं उन्हें हम लोग मौका दें कि वो भी आए, उनकी भी एक नई पहचान बने, और बस यही चीज़ें थी हमारी कि उन्हें आगे बढ़ें, उनको इनक्रेज करें, और उन्होंने भी हमारे साथ बहुत बढ़ चढ़ कर हमारा साथ दिया है। दिवाली आ रही है और दिवाली में फैशन का काफ़ी महत्व होता है, क्योंकि हर कोई सजना संवरना चाहता है। यहाँ तो खाने से लेकर सजावट तक के सभी सामान की यहाँ स्टॉल्स लगी है। क्या कहना चाहेंगी, क्या क्या कठिनाइयाँ भी काफ़ी आई होंगी आपको इतना प्रोग्राम अरेंज करने के लिए, क्या कहना चाहेंगी? जी, ये इतना बड़े लेवल पे हमारे लिए तो ये पहला प्रोग्राम था जो हमने किया है, ये इवेंट जो था हमारा, बट बहुत सारी चीज़ें आई है हमारे सामने, लेकिन हमने उस सबको नॉर्मल वे पे लेते हुए हमने उसको किया है आगे। दर्शकों, घर की महिलाएं हर कार्यक्रम को, हर त्यौहार को बड़े ही खुशनसीब तरीके से मनाती है, बड़े ही खुशहाल तरीके से मनाती है, और शेख सिस्टर्स द्वारा उद्घाटित किया गया, ऑर्गेनाइज किया गया जो प्रोग्राम है, एक एग्जीबिशन जहाँ की काफ़ी सभी तरह के एग्जीबिशंस के स्टॉल्स लगाए गए हैं, जहाँ की खाने से लेकर सजावट, फैशन और सभी प्रकार के यहाँ स्टॉल्स, पूरे 50 स्टॉल लगाए गए हैं, जिसका उद्घाटन विकास ठाकरे, माननीय विधायक विकास ठाकरे द्वारा किया गया है, तो देखते हैं आगे इसका क्या प्रभाव पड़ता है। इस समय इस प्रदर्शनी में सम्मिलित महिलाओं ने आयोजिका शबनम शेख और तनशीर शेख को इस भव्य आयोजन के लिए धन्यवाद दिया और तहे दिल से सराहना की। हेलो, मेरा नाम निशात खान है और मेरा निशात कलेक्शन है पार्टी वेयर ड्रेसेस मटेरियल के और बैंगल्स के, और काफ़ी अच्छे वैरायटीज़ हैं, और आप लोग फैशन जर्नी एग्जीबिशन में आइए ज़रूर और हमारी वैरायटीज़ देखिए, यहाँ काफ़ी अच्छे स्टॉल्स हैं, तो बिल्कुल विज़िट कीजिए हमारे स्टॉल। ऑर्गेनाइज़र ने काफ़ी अच्छा इंतज़ाम किया हुआ है, सबको बहुत अच्छे स्टॉल्स दिए हुए हैं, काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ मुहैया करवाई हुई हैं, तो बहुत बहुत थैंक यू एंड
शुक्रिया कि आपने हमें ऐसा प्लेटफॉर्म दिया कि हम घर से निकलें और अपनी लाइफ भी इंजॉय करें और थोड़ा बहुत कमाई भी करें. सो थैंक यू सो मच. हमारा ये शॉप कोराड़ी नाके पे है और ये आप हमारे प्रोडक्ट्स टेस्ट कीजिए. सब हाइजीनिक है, वेज है. हमारे प्रोडक्ट्स में ब्राउनी है, कपकेक्स हैं, डोनट्स हैं, शेक हैं, सारे टाइप के शेक हैं. थिक शेक, फ्रिक शेक, फ्रेपे और ड्रीम टिन केक मिलते हैं हमारे यहाँ. और स्पेशली ऑर्डर पे हमारे यहाँ कस्टमाइज केक मिल सकते हैं आपको. जैसा चाहें आप वैसा डिज़ाइन मिल जाएगा. बस मैं यही कहना चाहूँगी कि आप एक बार हमारे शॉप पे आइए, विज़िट कीजिए और टेस्ट करके देखिए हमारे प्रोडक्ट्स को. ऑर्गेनाइजर्स काफ़ी अच्छा, मतलब उनका ऑर्गेनाइजेशन है अच्छा, कि ऐसा मतलब ऑर्गेनाइजेशन की वजह से हमारे चीज़ की ऐड हो सकती है, हम और लोगों तक पहुंचा सकते हैं. शाहबा है मेरी शॉप का नाम, शाहबा क्लोज़ेट है. मेरे पास कॉटन से लेके हैवी रेंज सारी वैरायटी है. मेरा काम ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों चलता है. मैं ऑर्गेनाइजेशन को थैंक यू बोलना चाहूँगी इस अपॉर्चुनिटी देने के लिए. मेरा AR कलेक्शन है जिसमें हैदराबादी ज्वेलरी, ऑक्सीडाइज ज्वेलरी वगैरह है. मैंने यहाँ पे फर्स्ट टाइम लगाया हुआ है. मैं घर से करती हुई है वैसे अपना. और शबनम और तनवीर तनशीर मैम का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने हमको ये अपॉर्चुनिटी दी और हमने आज ये लगाया और आज अपनी किस्मत आजमाने का मौका मिला हमें जी. थैंक यू. तो मेरा जो है अलनूर कलेक्शन के नाम से है और घर से ही सेलिंग होती है. और क्रॉकरी प्रोडक्ट है, कुछ होम मेड ये मुखवास और पुनेरी वगैरह है. और ये इवेंट में हम लोग पहली बार जुड़े हैं और उम्मीद है कि ये अच्छा सक्सेसफुल होगा. दोनों ऑर्गेनाइज़र जो है उन्होंने बहुत अच्छा प्रयास किया है और हम होप करते हैं कि इसको अच्छी सफलता मिले. थैंक यू. शुरू. हेलो, गुड आफ्टरनून. मेरा नाम मंगला डोईफोड़े है. मेरा मोदी केयर प्रोडक्ट का स्टॉल है. होम केयर 13 कैटेगरीज में प्रोडक्ट है. होम केयर, पर्सनल केयर, लॉन्ड्री केयर, कॉस्मेटिक, हेल्थ केयर और सभी रेंज में प्रोडक्ट अवेलेबल है. मेरा डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट है भूपेश नगर बोरगांव एरिया में. हमारी मेन शॉप है नशीमन हॉल के सामने. हम लेडीज़ वेयर क्लॉथ्स वगैरह बेचते हैं, लेडीज़ केयर. और बहुत अच्छा लगा यहाँ एग्जीबिशन में जो बाजी ने ऑर्गेनाइज़ किए हैं. बहुत मतलब अब देखते हैं रिस्पॉन्स क्या होता है. तो जी थैंक यू. हमारे पास 350 से लेके 1200 के रेंज में ड्रेस अवेलेबल है. पाकिस्तानी पैटर्न, सूट मटेरियल और भी कुर्तियाँ वगैरह, पैंट सेट, नायरा पैटर्न, ये सारे ड्रेस अवेलेबल है. एक्चुअली ये अभी रिसेंटली स्टार्टअप है. हम लोग दोनों कॉलेज स्टूडेंट्स हैं. हम दोनों ब्रदर एंड सिस्टर्स है. एंड यहाँ पे हैंडबैग्स है, ज्वेलरीज है एंड कप सेट्स है. जस्ट बेसिकली अगर आप एक शॉप में घुसोगे तो आपको क्या चाहिए वो मिल जाएगा. सो ये हम लोग का रीसेंट स्टार्टअप है. सो थैंक यू फॉर द स्टॉल टू द ऑर्गेनाइजेशन. मेरा नाम शेख शादाब है. मेरा दुकान का नाम है सभा फैशन. सभा फैशन के नाम से हमारा जाफरनगर अवस्थी चौक पे एक शॉप है. वहाँ पे अपने आपस में फुटवेयर, बैग, कपड़े वगैरह सभी मिलते हैं. और मेरे पास में प्रोडक्ट्स है, बैग्स हैंगे, चप्पल, लेडीज वेयर, मेन्स वेयर सभी मिल जाएंगे अपने को. थैंक यू ऑर्गेनाइजर्स की वजह से हमको यहाँ पे अभी अपॉर्चुनिटी मिली है. उनका शुक्रिया अदा कर रही हूँ सब. कैमरा पर्सन अजित कुंवर के साथ मनीष टेमरी की रिपोर्ट.